हमने डिस्कस किया था मोल क्या होता है और मोल को कैसे अप्लाई करते हैं, कहां अप्लाई करते हैं, क्लियर है। लेकिन ये नहीं सीखा था कि मोल की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, बल्कि आपको पता है मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकली बनता है एंड नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। पर हाँ, उससे पहले हम लोगों को एक चार्ट यहाँ पे डेवलप किया है, ये चार्ट स्टडी करना मस्ट है, नहीं तो मोल कंसेप्ट में कष्ट है। आइए बच्चों, यहाँ पे तीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, पहले में ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, दूसरे में नंबर ऑफ मोल है और तीसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। आप देख पा रहे हैं दीज यहाँ पे एरो से शो हो रहा है, दीज टू आर इंटरकन्वर्टेबल एंड दीज टू आर ऑल्सो इंटरकन्वर्टेबल, ये हमको याद करना है बच्चों। ये लाइफ हो गया तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में बनने लगेंगे। मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन दो सर मैं कर सकता हूं, ऐसा आपके अंदर से आवाज आएगी। तो पहले चार्ट लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बच्चों अगर आपको कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट दिया हुआ है, चाहे वो केजी में हो, मिलीग्राम में हो, सर वो सब ग्राम में कन्वर्ट होना चाहिए। तो पहले आपको चेक करना है कि जो सब्सटेंस आपको प्रोवाइडेड है क्या उसकी जो यूनिट है वो ग्राम है, अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप कन्वर्ट करेंगे। तो आप पहले ग्राम ऑफ सब्सटेंस को लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट से, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ मोल पूछा है तो ठीक है, बट इफ ही और शी इज आस्किंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपके जो नंबर ऑफ मोल आए हैं उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, एन ए एवोगैड्रो नंबर, इसका वैल्यू होता है आप जानते हैं 6.02 × 10^23, ये नंबर होता है। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। और किसी भी सब्सटेंस से पार्टिकल जो है वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कैसा है और वो क्वेश्चन में कौन से पार्टिकल के लिए पूछ रहा है। बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है और वो ग्राम ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल का कितना वेट होगा, कितने ग्राम होगा, तो उस कंडीशन में आप नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल में, और उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। तो आपने जाना चुटकियों में आप किसी चीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चुटकियों में आप जो पूछा है वो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आइए देखते हैं, अभी आएगा आपको यकीन। आइए बच्चों यहां पे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 3 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे 3 ग्राम ऑफ वाटर में आपको नंबर ऑफ मोल बताना है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा सर, मैंने यहां पे लिखा NH2O, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होगा, WH2O। सर आपने W क्यों लिखा, बच्चों W का मतलब है ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस क्या दिया हुआ है, वाटर, तो ये कहलाएगा वेट ऑफ वाटर इन ग्राम। तो मैं यहां ग्राम भी मेंशन करूंगा आपके लिए, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम। अब यहां पे लिखा है सर MH2O, बच्चों M का मतलब होता है मोलर मास और सब्सटेंस क्या है, वाटर है, तो MH2O का मतलब हुआ मोलर मास ऑफ वाटर, क्लियर। आपको पता है कि यहां पे अमाउंट कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है बच्चों, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो आप जानते हैं ये 18 होता है, क्लियर हुआ। तो आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, क्लियर हुआ बच्चों। तो ऐसे आप किसी भी गिवन अमाउंट को, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 120 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस बार आपको नंबर दिया हुआ है और नंबर को कन्वर्ट करना है आपको नंबर ऑफ मोल में, यानी हम लोग वापस उल्टा चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आपको निकालना है मोल्स प्रेजेंट इन वाटर, तो सब्सटेंस क्या हुआ, वाटर हुआ, कैसे दिखाएंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, NH2O, N बोले तो नंबर ऑफ मोल इन वाटर। बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, सर यहां पे फॉर्मूला हम लोग चार्ट से डिराइव करते हैं, पार्टिकल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया है और इससे निकालना है हमको नंबर ऑफ मोल, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मैं यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
वाटर, क्या ये क्लियर है बच्चों? वाटर बोले तो H2O डिवाइड बाय क्या होगा सर? डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या ये क्लियर है आपको? अब बच्चों आपको पता है कि यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है ये, और इसका वैल्यू होगा 120 इंटू 10 रेस्ट पावर 24, और एवोगैड्रो का वैल्यू ये होता है। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। क्या ये क्लियर है आपको बच्चों? थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस दिए हुए हैं, दोनों की अमाउंट दी हुई है, और उसमें पूछ रहा है कि किसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ मोल होंगे। बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको मोल तो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकालता हूं मोल्स ऑफ कार्बन, तो मैंने क्या लिखा? एनसी लिखा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू सी डिवाइड बाय यानी वेट ऑफ कार्बन इन ग्राम। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? डिवाइड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे बच्चों मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा, एटॉमिक वेट आएगा। वेट बच्चों कार्बन का वेट दिया हुआ है 12 ग्राम, और कार्बन का एटॉमिक वेट भी होता है 12। क्लियर है? यू विल गेट द आंसर। कितना आया सर? 1 मोल आ गया। सर इस केस में देखिएगा, यहां पर आपको मोल निकालने हैं हाइड्रोजन के, तो सर हाइड्रोजन गैस कर देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का मतलब हुआ NH2। क्लियर है आपको? NH2 यानी नंबर ऑफ मोल इन हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे कितना सा फॉर्मूला क्या होगा? WH2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। सर कितना वेट दिया है हाइड्रोजन का गैस का? 6 ग्राम दिया है, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है? 2 आता है सर। कितना आ गया सर? 3 मोल आ गया। तो इस क्वेश्चन को देख के क्या आप बता सकते हैं विच कंपाउंड हैज हायर नंबर ऑफ मोल्स और लार्जर नंबर ऑफ मोल्स? यस, वी कैन कंक्लूड दैट 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल have larger number of moles। क्लियर है? पोज कीजिए बच्चों उनको और ध्यान से देखिए, आपको जरूर आएगा। और इसके बाद आपको मिलेगी असाइनमेंट, वो आपको कल, बिल्कुल सही बोले हैं, वो आपको कल शाम तक सबमिट करना है। क्लियर? आइए अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स असाइनमेंट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, डेट डालिएगा, चैप्टर का टॉपिक का नाम डालिएगा, और क्वेश्चन नोट जरूर कीजिएगा। जब वहां पर सोल्व कर ले तब ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी मत कीजिएगा, जल्दी नहीं है, एक्यूरेसी मस्ट है। तो आइए पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 3 ग्राम ऑफ वाटर, 10 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 4 सब्सटेंस दिए हुए हैं अलग अलग, इन सब के अमाउंट दिए हुए हैं। क्लियर है? अमाउंट को, कुछ अमाउंट तो ग्राम में डायरेक्टली दिया हुआ है, कुछ एमजी में दिया हुआ है। तो सर कोई भी यूनिट हो अमाउंट की, वो ग्राम में होना चाहिए, अगर नहीं है तो सर कन्वर्ट करके उसको ग्राम में लेके जाएंगे। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 3.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम? सर एटम्स है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये कंपाउंड मॉलिक्यूलर है। 1204 इंटू 10 रेज पावर 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर हुआ बच्चों? यहां पर नंबर दिया हुआ है, यानी कि हम लोग यहां पे हैं और नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ये इधर से ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे यहां पर जाने के लिए। यहां पे अमाउंट दी हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, ये ग्राम में लेने कन्वर्ट कर लेंगे अगर नहीं है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला हम लोग एरो, ये वाला कंडीशन फॉलो करेंगे फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों यहां पर आपको देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है, 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 100 ग्राम ऑफ मार्बल, 301 into 10 raised to power 25 atoms of helium। इन सब को कन्वर्ट करना है, ये मिसेलियस बन गया है, इसमें ग्राम भी दिया हुआ है और बच्चों नंबर ऑफ एटम भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि किसके मोल ज्यादा है। तो आपको यहां से यहां आना है और यहां से यहां जाना है, सब में आप मोल निकाल लीजिएगा। एंड ऑन गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स यू कैन कंक्लूड दैट विच सब्सटेंस has larger number of mole। क्लियर बच्चों? ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और कल शाम तक इनके आंसर सबमिट करने हैं।